नमस्कार दोस्तों, रिलायंस मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे बिलोंग एफ टैबलेट की और साथ ही साथ इसकी यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट और काम के बारे भी हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिलोंग एफ टैबलेट टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। इसका कॉम्पोजिशन है फॉलिक एसिड 5 mg और पाइरिडॉक्सिन 100 mg और इसका प्राइस है 164 रुपया। दोस्तों ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लेनी चाहिए। मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया है ताकि आप लोग इसे मिसयूज़ ना करें। आप जानेंगे इसकी यूज़ के बारे में। बिलोंग एफ टैबलेट का इस्तेमाल शरीर में विटामिन के निम्न स्तर का इलाज या रोकथाम के लिए होती है। अब जानेंगे इसकी काम के बारे में। बिलोंग एफ टैबलेट दो दवा का एक संयोजन है, फॉलिक एसिड और पाइरिडॉक्सिन। शरीर में शर्करा, भासा और प्रोटीन के उचित कार्य के लिए पाइरिडॉक्सिन की आवश्यकता होती है। ये मस्तिष्क, नासों और शरीर के कई अन्य हिस्सों के उचित विकास के लिए भी आवश्यक है। फॉलिक एसिड फोलेट के निम्न रक्त स्तरों को रोकने और उनका इलाज करने के साथ साथ थका हुआ रक्त और पोषक अणुओं को अवशोषित करने के लिए अंत की अक्षमता सहित काम करता है। अब जानेंगे इसके डोज के बारे में। अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए खुराक और नियमानुसार में दवा लें। इस दवा को पूरी तरह से निगल लें। इसे टूट के या फिर चिबा के ना खाएं। इस दवा को एक निश्चित समय पर लें। इस दवा को खाने के बाद लिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट। बिलोंग एफ टैबलेट लेने से आपको कुछ तरह की साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, जैसे कि पेट की खराबी, सर में दर्द, डायरिया, स्लीपनेस जैसी और भी कुछ तरह की दिक्कत हो सकती है। सावधानियाँ। जो महिला प्रेग्नेंट और जो महिला स्तनपान कराती है उसके लिए ये दवा सेफ है अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है तो। इस दवा का सेवन के दौरान शराब लेना असुरक्षित हो सकती है। ये दवा आमतौर पर ड्राइव करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ये दवा किडनी और लिवर रोग के रोगियों में उपयोग पर सीमित जानकारी है। अगर आपको कोई किडनी और लिवर की बीमारी है तो अपने चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों ये थी हमारा आज की वीडियो। अगर आपको इस मेडिसिन के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।